नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए मैथ प्रैक्टिस बैच की क्लास नंबर 3 लेके आ चुका हूँ। और आज मैंने रीजनिंग की क्लास आपकी डाल दी है, ठीक है, और आज ही आपकी मैं फिजिक्स की करवा दूंगा, ठीक है। कल मैंने रीजनिंग की डाल दी थी, आज मैं फिजिक्स की और मैथ की क्लासें डाल रहा हूँ। रीजनिंग की भी हो सकी तो मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहना, और अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ज़रूर। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी के लिए इनफ है मैथ की ये प्रैक्टिस और रीजनिंग, ठीक है। और जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को बने रहिए वीडियो पे, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रात के बज रहे हैं 11:18, ठीक है, और शुरू करते हैं आज की वीडियोस। और आज पैन भी नहीं बंद होगा क्योंकि इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो आज पैन वाले भी कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फोरम होती है, जैसे एक्स प्लस में एक बटे एक्स बराबर ए होता है। जब इसको, इस सिनेरियो को, इस वाले पूरे सिनेरियो को स्क्वेयर में बदलना, मतलब यहाँ भी स्क्वेयर आ जाए, यहाँ भी स्क्वेयर आ जाए, उसमें बदलने के लिए इसके साथ क्या छेड़खानी की जाती है, मतलब कि एक्स स्क्वेयर प्लस में एक बटे एक्स स्क्वेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक की स्क्वेयर माइनस टू ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। जब इसको स्क्वेयर बना दिया तो इसको सिक्स बनाने के लिए, इसको सिक्स बनाने के लिए एक और इसके साथ तीन का वो किया जाता है, जैसे कि एक्स की पावर 6 प्लस में एक बटे एक्स की पावर 6। ये डिजाइन देने के लिए जो ये आंसर आया है ना, ये जो आंसर मान लो एक्स आया है ना, एक्स नहीं, हम वाई मानते हैं, ठीक है, वाई मानते हैं। तो वाई के साथ क्या किया जाता है, वाई की 3, ठीक है, वाई की 3 माइनस 3 वाई, ऐसे डिजाइन तैयार किया जाता है, ये डिजाइन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं बता देता हूँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये है ना, ये सेम टू सेम इसकी तरह ही है, क्योंकि देखो कोस है प्लस में सीकेंट है, सीकेंट को हम क्या लिखते हैं, सीकेंट को लिखते हैं एक बटे कोस, ठीक है, एक बटे कोस। तो कोस प्लस में एक बटे कोस, तो कोस को हम मान लेते हैं क्या, कोस को हम क्या मान लेते हैं, कोस को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। कोस को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ क्या बना, एक्स प्लस में एक बटे एक्स बराबर टू। अब ये निकालना क्या है, यहाँ मान लेते कोस को एक्स, तो एक्स की पावर 6 प्लस में एक्स, एक बटे एक्स की पावर 6, एक बटे एक्स की पावर 6, मतलब यहाँ तक हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दे रखा है कि एक्स प्लस में एक बटे एक्स बराबर टू दे रखा है। भाई ये एक्स की जगह कोस मान, हमने एक्स को क्या, कोस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसको स्क्वेयर में बदलने के लिए, हम स्क्वेयर वाले सिस्टम में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, स्क्वेयर वाले सिस्टम में बदलने के लिए 2 की स्क्वेयर, ठीक है, 2 की स्क्वेयर माइनस 2, ठीक है, 2 की स्क्वेयर माइनस 2 क्या आएगा, ये सारा डिजाइन 2i आएगा, ठीक है। अब इसको 6 वाली लाइन में ले जाने के लिए क्या करते हैं, हम 6 वाली लाइन में ले जाने के लिए हम क्या करते थे भाई, 6 वाली लाइन में ले जाने के लिए हम 3 वाली वो अप्लाई करते थे, 3 वाली, ठीक है भाई। इसको 6 वाली लाइन में ले जाने के लिए क्या करते थे, हम 1 की 3 माइनस 3a, ठीक है, मतलब वो लिखवाया था ना, वो y की 3 माइनस 3y, तो कुछ भी y z कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये y है इस टाइम पे, 2y है, ठीक है, तो y की 3 करेंगे, मतलब 8 माइनस 3 इंटू में y की जगह 2, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 बराबर ये आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 आंसर आएगा इस क्वेश्चन उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस समझने की कोशिश करना है हमें। और समझना कैसे है, देखो समझने के तरीके होते हैं, आपने ये फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा ए, अरे यार ये देख कितना बुंदा लिखा गया है महाराज, ठीक है, आपने हमेशा पढ़ा होगा ए प्लस में बी की होल स्क्वेयर क्या होती है, 1 की स्क्वेयर प्लस में 2 की स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में 2ab, ठीक है। और ये भी पढ़ा होगा ए ए माइनस 2 की होल स्क्वेयर क्या पढ़ा होगा, 1 की स्क्वेयर प्लस
स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। मैं इस बात को नहीं करवा रहा, मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो, हम जो m की स्क्वायर और n की स्क्वायर है ना, इसको क्या मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं, m स्क्वायर को तो a मान रहे हैं और n स्क्वायर को b मान रहे हैं, ठीक है। n स्क्वायर को b मान रहे हैं, b मान रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम रख देते हैं स्क्वायर की जगह, m स्क्वायर की जगह a रख देते हैं और n स्क्वायर की जगह b रख देते हैं। तो फोर सवाल क्या लिख रखा है, देखो ये सारा का सारा मैं यहाँ तारने वाला हूँ, ठीक है। एम की जगह क्या रखूँगा मैं, ए, ए प्लस में बी की होल स्क्वेयर माइनस में फोर ए बी, ऐसे ही लिख रखा है ना भाई, ऐसे ही लिख रखा है। मैंने कुछ बदला, देख एम की जगह तो ए लिख दिया, एन स्क्वेयर की जगह बी लिख दिया, माइनस फोर एम एन, माइनस फोर एम की स्क्वेयर की जगह ए और एन स्क्वेयर की जगह बी, ठीक है। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ ए प्लस बी की होल स्क्वेयर को खोल रहा हूँ। तो ए की स्क्वेयर प्लस में बी की स्क्वेयर, ठीक है, बी की स्क्वेयर प्लस में टू ए बी, और ये टू ए बी, ये तो हमने खोल लिया टू ए बी। अब माइनस में फोर ए बी तो है ही, तो माइनस में फोर फोर ए बी, ठीक है, माइनस में फोर ए बी हमने लिख दिया, ठीक है। देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी में से टू ए बी जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का टू ए बी बचेगा, तो माइनस का टू ए बी बचेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में टू ए बी बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस में टू ए बी बच जाएगा। देखो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम टू सेम है भाई। ये पूरा का पूरा सोल्व करके मैंने क्या कहा लिखा या यहाँ लिखा ना, तो ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम है। तो इसको जब हम वापस से इसमें बदलेंगे तो ऐसा बन के आएगा ना, तो ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो गया। तो ये देखो, ये हमारा उत्तर होगा, एम की ए की जगह क्या रखना है हमें, एम स्क्वेयर, वापस से एम स्क्वेयर रखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम स्क्वेयर माइनस में एन स्क्वेयर की होल स्क्वेयर, ये क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा आंसर में देखो किस में है, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन में ये आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको शायद मैंने कैसे करवाया। देखो ये पूरा करवाया है तो चार में से, चार ए बी में से दो ए बी जाएंगे तो टू ए बी बचेंगे। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, और ये का ये डिजाइन ये है। तो जब ये है तो इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो इसकी जगह तो एम स्क्वेयर लिख दिया, इसकी जगह एन स्क्वेयर लिख दिया, और स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दिया। तो ये उत्तर हमारा आ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे है भाई, इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे हम। क्या बोल रहा है कि एक संख्या सवै से कितना बड़ी है, एक संख्या सवै की सवै से 40% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा। तो पहली बात तो इस संख्या को लिख लेते हैं। देखो मान लो कोई एक संख्या है, ठीक है, और उसका 40%, उसका 40%, उसका 40%, उसका 40% क्या बोल रहा है कि वो खुद से कितनी बड़ी है, 120 बड़ी है, उसका 40% से 120 बड़ी है। तो ये हमने चीज़ लिख ली, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली। अब क्या बोल रहा है कि ये चीज़ है, उसका हमने एक्स निकालना है और उसका 45% निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये प्लस का है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इस साइड सारे सिस्टम को इस साइड भेज दूँ, ठीक है, इस साइड क्या कर दूँ, भेज दूँ, इस साइड भेजूंगा तो ये किस चीज़ का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और ये एक का खत्म, ठीक है, इस एक के वो मैं गायब कर देता हूँ। तो 120 बराबर एक्स माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये 100 है नीचे, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 100 लग जाएगा, तो यहाँ भी 100 लग जाएगा। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा आगे सरका देता हूँ, ठीक है, यहाँ 100 लग जाएगा। तो मैं यहाँ एलसीएम लेऊँगा तो यहाँ 100 लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 100 जो है वो उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ये 100 है, ठीक है, 100x माइनस में 40x, और ये डंडी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है, ये डंडी क्या हो जाएगी, पूरी। तो 100 में से 40x गए तो कितना बचे, 60x, ठीक है, 100 में से 40x गए तो कितना बचे, 60x बचे। तो 120 बराबर में 60x/100, इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक जीरो से गया, एक जीरो खत्म, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,
और ये जीरो, ये जो नीचे वाला 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो एक्स इजिकल टू 200 आ गया। 200 का 45% निकालना है, ठीक है। तो 200 का 45% बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 45 दूनी क्या होता है, 90 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कतबाजी है नहीं इसमें। क्रिया और ना कीरा और किक्की जब एक साथ काम करती है तो एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कीरा और किक्की, तो हम कीरा का के ए ले लेते हैं, प्लस में किक्की का के आई ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम करती है तो 8 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है। किक्की अकेले इसको 12 दिन में कर सकती है, मतलब किक्की का मतलब के आई, किक्की इस काम को कितने दिन में कर लेती है, 12 दिन में कर लेती है। 4 दिन तक वे साथ काम करते हैं, उसके बाद किक्की ने काम छोड़ दिया, मतलब ये लड़की काम छोड़ के चली गई। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम कितना आएगा इसका, 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, मतलब कि किक्की तो 2 काम करती है और दोनों मिलकर 3 काम करती है। तो किया क्या, कितना काम करती है, एक दिन में 1 काम करती है, ठीक है। किया एक दिन में 1 काम करती है। अब क्या बोल रहा है कि 4 दिन तक तो साथ काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर 4 दिन तक करते हैं। दोनों कितना काम करते हैं, एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 × 4 का 4 दिन तक किया, मतलब कि 12 काम इसने कर लिया, इन्होंने 12 काम कर लिया। कितना बच गया, 24 में से 12 काम बच गया इनका। तो 24 में 12 काम कर लिया और 12 काम बच गया। अब ये 12 बचा हुआ काम कौन करेंगे, देगी बचा हुआ काम कौन करके देगी, किया। किया किया एक दिन में कितना काम करती है, 1 काम करती है। तो एक दिन में 1 काम करती है, 12 काम करने में कितना दिन लग जाएंगे इसको, 12 डेज लग जाएंगे, ठीक है। 12 दिन लग जाएंगे इस काम को करने में, ठीक है, शेष बचे हुए काम को करने में। तो वो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। 75 किलो दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। देखिए कि भाई साहब 75 किलो इसने क्या है, दूध और पानी का मिश्रण दे रखा है, 1:2, ठीक है। क्या बोल रहा है, दूध तो है 1 और ये है 2, तो दोनों मिला के क्या हुआ, 3 हुआ। 3 को 75 से भाग देंगे तो 25 ही क्या होता है, 75। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई, 25, और 2 की वैल्यू कितनी आई, 50। मतलब कि 25 लीटर तो पानी दूध है और 50 लीटर क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है इसके हिसाब से। अब क्या कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात 1:3 बनाना है, मतलब ये अनुपात 1:3 में बदल देना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होगी, मतलब दूध तो बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, दूध बढ़ाना ही नहीं है। एक बात बताओ, 1 की वैल्यू 25 है और 3 की वैल्यू कितनी बननी, 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आएगी, ठीक है, और ये है 25, ठीक है। तभी तो 1:3 बनेगा, भाई 25 75 तभी बनेगा ना। तो यहाँ 50 है, इसको 75 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, इसको कितना ऐड करना पड़ेगा, 25 ऐड और करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 लीटर पानी और मिला देंगे, क्योंकि दूध मिलाने की बात हुई नहीं है, पानी की मिलाने की बात हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं ये जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता यार इस बार, ठीक है। तो और कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, आप अपने आप कर लेना, ठीक है। मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है आपको। एक शहर में 75% ना 55% व्यक्ति टेलीविज़न देखते हैं, बात समझ में आ गई, टेलीविज़न देखते हैं 55%, ठीक है। 40% अखबार पढ़ते हैं और 25% न तो अखबार पढ़ते हैं न टेलीविज़न देखते हैं। ये बात समझ में आती है हमें, 25% है वो कुछ भी नहीं देखते और 75% है वो कुछ ना कुछ तो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये नहीं देखते कुछ भी, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई यहाँ तक में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 4000 लोग अखबार पढ़ते हैं और टेलीविज़न समाचार देखते हैं, मतलब 4000 लोग अखबार और टेलीविज़न दोनों चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम गोले बना लेते हैं दो, ठीक है, दो गोले बना लेते हैं जिसमें से 55% तो लोग क्या पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, और 40% लोग क्या देते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। 40% लोग क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। एक बात बताओ, 55 और 40% जोड़ के कितना बनेगा, 55 और 40%, ये बनेगा 95%। 95% लोग हैं जो अखबार और टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है, अखबार देखते हैं कुछ, टेलीविज़न देखते हैं, लेकिन 75% ही लोग अखबार और टेलीविज़न पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं या पढ़ते हैं समाचार, बाकी नहीं पढ़ते। मतलब 95 में 75 घटा देंगे वापस, 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, बचेगा 20%। कितना बचेगा,
20% बचेगा। 20% लोग ऐसे हैं जो कि अखबार और टेलीविज़न दोनों चीज़ देखते हैं, अखबार भी दे पढ़ते हैं और टेलीविज़न भी पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं, ठीक है, टेलीविज़न भी देखते हैं अखबार भी पढ़ते हैं। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 4,000, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,000, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 200। अब क्या बताना है? 100% की कस्बे की कुल जनसंख्या बतानी है, तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 200 के 2 0 और लगा दो, तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ये ऑप्शन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये समझने की कोशिश करना, बड़े आसान से समझ में आ जाएगा, वापस बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ज़्यादा टाइम ना खपाते हुए आपका ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक बैंक में 12% ब्याज दर से, ब्याज की दर पर ऋण लिया, 3 वर्षों के बाद उन्हें केवल अवधि के लिए 5,400 रुपये का ब्याज देना पड़ा, तो उसने उधार कितनी लिया? भाई सिंपल सवाल, सबसे सिंपल है, मूलधन इंटू में, मूलधन हमें नहीं पता ना, बताना है मूलधन, मूलधन इंटू में दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज कितना है? 5,400 रुपये दे दिया ब्याज, ठीक है। ये 3 पे काटेंगे तो इसका 3 एकम 3, 3 8 24 00, ठीक है। इसको 6 से काटेंगे, 6 दुनी 12, 6 18, 300 पे कटेगा, ये कटेगा तो ये कट जाएगा 150 पे, ठीक है। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 2 0 और, तो 15,000 जो आंसर है वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। मूलधन कितना आएगा? 15,000। कैलकुलेशन दिया, कुछ भी नहीं था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर ब्याज, सब कुछ दे रखा है इसमें, तो सवाल है ही नहीं कुछ दमदार, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि परिसर और माध्यिका के बीच में अनुपात बताइए। देखो परिसर क्या होता है इसमें, देखो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और उनको बीच में घटा दो, वही परिसर हो जाएगा। देखो 3 3 से छोटी कोई संख्या है नहीं इसमें, ठीक है, 3 से छोटी कोई संख्या है नहीं, और बड़ी बड़ी 14 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो 14 माइनस में 3 क्या कितना आ जाएगा? 11। तो परिसर इसका कितना आ गया? 11। देखो ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है, 11 तो 8 आएगा माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? पहले छोटे से लेके बड़े तक बिछाओ, ठीक है, और यहाँ से भी सेम छोड़ दो, यहाँ से भी सेम छोड़ दो, मतलब 7 है तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो बीच का बच गया वो इसका आंसर, बीच का पक्की बात है 8 ही बचेगा, करके देख लेना, ठीक है। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, सोल्व करना खुद भी आना चाहिए, खुद भी कोशिश करोगे ना तभी आएगा। देखो मैंने तो बता दिया ये आएगा, क्योंकि हमें परिसर निकाले, परिसर 11 ही आएगा, 11 के अलावा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, बात खत्म। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास इतने इतने अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 96, तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो उल्टा पुल्टा अनुपात है इसको हम सीधा कर लेते हैं। देखो इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 12, तो ऊपर सबके 12 से गुणा कर दो। देखो ऊपर 12 है, नीचे 2 है, तो 12 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, ठीक है, अनुपात में, अनुपात में ऊपर 12 है नीचे 3 है, तो 3 को 12 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, 4 अनुपात में, ठीक है, अनुपात में ऊपर 12 है नीचे 4 है, तो 4 किया 12, तो 3 से कट जाए, तो ये नया अनुपात हमारे पास आ चुका है। इस डिज़ाइन को हमने इसमें बदल लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर रख देते हैं, ये तो है 1 रुपये, ठीक है, ये है 1 रुपये, ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे, ठीक है, ये बात हमने कर ली। यदि 1 रुपये का 6 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? 6 रुपये। 1 रुपये ना 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपये, ठीक है। वो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये बनेंगे, सॉरी 2 रुपये बनेंगे, ठीक है। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 75 पैसे, तो 0.75, ठीक है, तो 0.75 इतने बन जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं, यदि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 96 है, मतलब 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 96 दे रखी है, भाई सिक्कों का अनुपात यही है ना,
तो चार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96 दे रखी है। चार की वैल्यू हमने दे रखी है 96, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, ठीक है। 4 दुनिया 8, 4 चौक 16। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 24 आ गई। सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये सिक्के हैं टोटल, ठीक है, ये सिक्के हैं, तो 24 सिक्के ये हैं ना। एक की वैल्यू 24 है, तो 24 छक्के, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो ये रुपए आ जाएंगे। 24 को 6 से गुणा करेंगे, देखो भाई ये अनुपात है ना, तो 24 × 6, तो 6 चौक 24 को 24 0 2 6 12 13 14, तो 144, 144 सिक्के तो कितने हैं, 1 1 रुपए के, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। और 96 सिक्के हैं 50, 96 सिक्के हैं 50 पैसे के, 96 सिक्के हैं 50 पैसों के, तो रुपए कितने बन गए भाई, 96 सिक्के हैं 50 पैसों के, तो रुपए कितने बन गए, 2 चौके 8, 2 8 16, तो 48 रुपये बन गए ना। ये प्लस में 48 रुपये और ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 44 रुपये हो गए, ये 48 रुपये हो गए। इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक की वैल्यू 24 सिक्के हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, 24 थी, 24 थी, क्या होता है, 4 के 12 का 2 0 1, 3 6 7, 24 थी 72, ठीक है। 72 बन जाएगी इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बन जाएगी, 72 इसकी वैल्यू पर, 25 पैसे के 72 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे भाई इसके, तो इसके रुपए बनेंगे, देखो 72 तीन पे कितने, 4 पे 1 रुपये बनेगा, 25 पैसों का 4 पे 1 रुपये बनेगा, 72 सिक्के हैं इसके पास, ठीक है। तो 72 को 4 से भाग दे दो, तो 4 × 1 = 4, 4 8 = 32, मतलब कितने रुपए बन के आए, 18 रुपये और बन के आए। अब इन तीनों को जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो जो रुपए आएंगे, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितने आएंगे भाई, अच्छा 8 है 12, 210 रुपये, ठीक है, 210 रुपये आएंगे। देखो 80 12 12 20, 80 गलत तो नहीं जोड़ दी मैंने, 80 92 100 200 210 रुपये, ठीक है। 210 रुपये इसके टोटल क्या बन जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। समझना, पहले सिक्के की वैल्यू निकालना, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर जितने सिक्के आ रहे हैं ना उसका रुपए निकाल देना भाई। इसको इससे गुणा किया, 146 आया, 144 आया, 1 रुपये का 1 सिक्का है और 144 सिक्के हैं, तो 144 रुपये बनेंगे। ये इसका इससे मल्टीप्लाई किया, या इसका तो दे ही रखा है 96, तो दो दो सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 96 सिक्कों से कितने रुपये बनेंगे, 48 रुपये बनेंगे। अब इसको 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आए, ठीक है। पर 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 72 सिक्के हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 18 18 रुपये आएंगे। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 210 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है sin 4/5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक, अरे 2D कोई इमेज नहीं है क्या, ये 2D हमारे पास इमेज है, हमने पढ़ा है LALKKA, ठीक है ना, ये हमने, ओहो ये क्या डिज़ाइन तैयार हो गया भाई, पेंसिल ली नहीं हमने, सॉरी माफ़ करना हमें, LALKKA ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लाल बटे काका, ये होता है साइन कोस टैन कोसिक सिक को, ठीक है। ऊपर से तो साइन कोस टैन, नीचे से कोसिक सिक कोट, ऐसे होता है। तो साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू मतलब नीचे, लंब बटे करण, तो लंब कितना है 4 है और करण कितना है 5 है, ठीक है। लंब कितना है 4 और करण कितना है 5, ये दे रखा है ना, ऊपर लंब तो है 4 और करण कितना है 5। देखो आपने 888 पढ़ा होगा, 3 4 5 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिकली 3, ठीक है। 888 पढ़ा हुआ है, तो नहीं पढ़ा तो इसकी स्क्वेयर करो 25 और इसकी स्क्वेयर करो 16, 25 में 16 गए कितना आए 9, 9 को रूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, उस पर टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं आपको, 888 याद होनी चाहिए, जल्दी होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने क्या लेनी है, कोस की वैल्यू लेनी, कोस क्या होता है, आधार बटे करण, तो आधार बटे करण मतलब 3/5, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 + 3/5, ठीक है, 3/5 ना, ऊपर प्लस नहीं है भाई, ऊपर है माइनस, ठीक है। 1 - 3/5
बटे में 1 + 3/5। अब इसको सोल्व कर लो, अब इसको सोल्व करोगे तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 2/5, और ये 5 और 3 8/5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2/5 * में ये 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। तो 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसे मिठाई और सब्जी पसंद है। 45 व्यक्ति जो सब्जी पसंद करते हैं, 37 व्यक्ति जो मिठाई पसंद करते हैं, 22 व्यक्ति केवल व्यक्ति जो केवल मिठाई पसंद करते हैं, 15 व्यक्ति जो जो दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं जो केवल सब्जी पसंद करते हैं। ओए होए होए होए, ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है, मेरे खुद के समझ में नहीं बैठे पहली बार में। तो लाइक इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसे मिठाई और सब्जी पसंद है। देखो भाई, कुछ व्यक्ति दिए गए हैं कि मिठाई और सब्जी पसंद है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तक मेरे खुद के समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है कि 45 व्यक्ति जो सब्जी पसंद करते हैं, या सब्जी पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति, इतनी बात समझ में आ चुकी है हमारे। 37 व्यक्ति हैं जो मिठाई पसंद करते हैं, 37 व्यक्ति हैं कुछ जो मिठाई पसंद करते हैं, इतनी बात भी हमारे समझ में आ गई। 22 व्यक्ति जो केवल मिठाई पसंद करते हैं, जो 22 व्यक्ति हैं, 37 में से 22 गए, तो कितने बचे भाई, 5 और 1, 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मिठाई भी पसंद करते हैं और सब्जी भी पसंद करते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि 22 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल मिठाई पसंद करते हैं, ठीक है, केवल मिठाई पसंद करते हैं, और यहाँ भी इसमें से 15 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल सब्जी पसंद करते हैं, ये सब्जी, ठीक है। अरे माउस से लिखना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है, सब्जी पसंद करते हैं 30 व्यक्ति, और 22 व्यक्ति मिठाई पसंद करते हैं, 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, ठीक है, 22 व्यक्ति ऐसे जो मिठाई पसंद करते हैं, ठीक है, 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। ओहो, इसने ले दे ही रखी है, फिर भी मैंने निकाल दी। तो कितने व्यक्ति ऐसे जो केवल सब्जी पसंद करते हैं, भाई हमने ये चीज़ निकाल ली, कितने व्यक्ति ऐसे जो केवल सब्जी पसंद करते हैं, 30, क्योंकि 45 में से 15 गए, क्या बचा, 30। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 30 होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 30 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोवा और दिल्ली के से एक दूसरे की ओर जाने के लिए 2 ट्रेन शुरू होती है। भाई गोवा से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन शुरू होती हैं, ये बात बोल रही है, ये है गोवा और ये है दिल्ली, ठीक है, ये है दिल्ली, ये बात बोल दी इसने। बोल रहे दोनों ट्रेनों ने कितना टाइम ले लिया, 21 घंटे ले लिए भाई, इस दोनों ट्रेनों ने कितने घंटे ले लिए, 21 घंटे ले लिए। दोनों की गति है एक की 20 किलोमीटर, एक की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो ये चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एक साइड ने आ रही है, मतलब एक तो भाई इनकी ये मान लो कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और ये आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों साइड एक ही दिशा में चल रही है ना, मतलब एक खुद को मतलब पास आने के लिए चल रही है ना, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, तो 30 और 40 जुड़ के क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, 70। देखो ये क्या आ गया, ये है घंटा इंटू में चाल, घंटा इंटू में चाल क्या होती है, दूरी, घंटा इंटू में चाल क्या होती है, दूरी, आपको सभी को पता है दूरी। अरे भाई ठीक है, दूरी बहुत सुंदर लिख दी मैंने कोशिश करना समझने की, मतलब कि गोवा से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी होगी, 21 * 70, क्योंकि 21 घंटे बाद मिले हैं ना, तो 21 घंटे ये चली, 21 घंटे ये चली, टोटल 70 चली, और मतलब 21 घंटे तक चली, ठीक है। दोनों शहरों के बीच की दूरी तय कीजिए, क्या बोल रहा है कि तो दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, समय कितना होता है। देखो आपको पता है कि सॉरी, समय इंटू में चाल बराबर क्या होती है, दूरी, इतनी बात पूछी गई। लास्ट में क्या बोल रहा है कि धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है, तो मतलब समय लिया पूछा गया है, तो समय पूछा गया है तो क्या करना पड़ता है, समय पूछा गया है तो ये जो चाल है, ये जो चाल है इसको दूरी के बटे में ले लेंगे तो समय आ जाएगा ना, चाल को दूरी के बटे में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है।
तो हमने दूरी निकाल ली 21 इंटू में 70 क्या है हमारी दूरी है, और बटे में चाल कर देंगे तो समय निकल जाएगा ना। तो चाल किसकी पूछी है भाई? धीरे चलने वाली ट्रेन की, धीमी चलने वाली ट्रेन। धीमी कितनी, कौन सी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है धीमी वाली। तो हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली नीचे रख लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 3 7 21 और 7 7 2 क्या हो जाएगा? 49। ओए होए 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 होए, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैंने पेन को सेलेक्ट किया नहीं और मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक बार पेन सेलेक्ट कर दे तो देखो, धीरे चलने वाली ट्रेन कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन है। तो हम नीचे क्या लेते हैं इसके? 30 लेते हैं, ठीक है? 30 है ये, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 7 पे 21 कट गया, 7 7 2 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49 घंटे लेगी ये ट्रेन, ठीक है? इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है? चलिए, एक वस्तु का लाभ 30% से 60% बढ़ा दिया जाता है तो उसे इसे 1800 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? तो बात क्या कही गई है कि बोल रहा है कि 100 की चीज़ थी, ठीक है, इसको 130 रुपये में तो बेच ही रहा था वो, और अब कितने में बेचने लग गए? अब ये बेचने लग गए 160 रुपये में। तो कितना कितना बढ़ा दिया इसने? 30 बढ़ा दी इसने, 30 वैल्यू बढ़ा दी, 30x मान लेते, इतनी बढ़ा दी। तो इससे कितना का फ़ायदा हो रहा है? 800 रुपये का फ़ायदा हो, 1800 का फ़ायदा हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1800 बटे में 30, 0 से इसका 0 कट गया, 3 6 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई, ठीक है? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इसके पास? 600 आ गई। अब बोल रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था इसका? इतना था। एक्स एक्स या एक मान सकते हैं उसको, ठीक है? ये 30%, इसको प्रतिशत भी लिख सकते हैं या एक्स लिख ले सकते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं। ये मान लो कि इसको एक्स को हटाओ, एक्स से कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? मैं इसको देता हूँ एक्स को हटा, ठीक है? ये एक्स भी गायब कर देता हूँ, ये एक्स भी गायब कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 30% की वैल्यू, ठीक है भाई? 130% से 160% हुआ तो इसके बीच का परसेंट कितना है? 30% की वैल्यू कितनी? 18%। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 60 60, ठीक है? 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60। तो हमें कितने की निकालनी है? वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 130, 130 था ना वास्तविक विक्रय मूल्य। तो हमारे पास वही उत्तर निकालना है, 130 इंटू में ये हमें करना है, ठीक है? 130 इंटू में ये करना है, 13 13 6 78 और 00, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा? 7800 रुपये, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों में फलाना फलाना मादी का ज्ञात करनी है, और मादी का ज्ञात करने के लिए क्या होता है? सबसे छोटे, अरे मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है? मादी का ज्ञात करने के लिए सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते जाओ, ठीक है? और बड़े की तरफ चलते जाओ, और जो मतलब एक बीच का ले लो, 3 इस साइड छोड़ दे, 3 इस साइड छोड़ दे, बीच का बता 4, वो होती है मादी का। अब इसको सेट करके लगा लेना भाई, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है? इसको सेट कर लेना भाई, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, और बीच का इस साइड, मतलब देख लेना गिन के। ये मान लो 8 होते तो इस साइड हम 3 छोड़ते, इस साइड हम 3 छोड़ते, बीच के 5 और 4 को हम जोड़ते, 9 आता, 9 को क्या करते? 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? 4.5 आंसर होता फिर इसका, ठीक है? तो हर बार बदलता रहता है, ठीक है? या विषम है तो फिर मतलब ये बात है कि बीच का लेना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, चेक कर लेना भाई। मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा खिंच जाएगा, फिर आपके दिमाग ख़राब हो जाएगा। 12 बज चुके हैं रात के, ठीक है? 12 बज के 1 मिनट हो चुकी है। एक समूह है, समूह में 5 संख्याओं का औसत 30% है। बहुत बहुत बढ़िया बात बोली कि 5 संख्याओं का औसत 30% है, टोटल तो कितना हो गया? 150, ठीक है? टोटल कितना हो गया? 150 भाई। एक की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी हुई? 150, ठीक है? बोल रहा है कि 2 का औसत है 35, 2 का औसत कितना है? 2 का औसत है 35, ठीक है? 2 का औसत 35 है तो टोटल कितना हो गया इनके पास? 70। 5 की वैल्यू तो 150 है, इनमें से 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 70, ठीक है? 2 की वैल्यू तो हम इतने बता दी, 70। और मध्य मतलब तीसरे की वैल्यू है 34, प्लस में 34, 70 और 34 कितना होगा? 104, ठीक है? मतलब 3 जनों की वैल्यू कितनी आ गई? 3 जनों की वैल्यू कितनी आ गई? 104, ठीक है? अब बोल रहा है कि आखिरी के 2 बच गए, उनकी औसत क्या बचेगी? भाई 150 में से 104 गए तो कितने बचे? 46 बच गए ना,
46 को दो दो जनों ने देना है, दो जनों के बांटे आएंगे 46 रुपये, तो 46 को काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, तो 23 किस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की कोशिश करना भाई। क्या बोल रहा है कि दो संख्या है 24 और 56, जिसका एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ऑप्शन को देख लो ध्यान से। आपको पता होगा एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, बड़ा संख्या में बड़ा होता है, और महत्तम समापवर्तक होता है छोटा। तो इस साइड बड़ी वैल्यू आएगी, इस साइड छोटी वैल्यू आएगी। एक बात देखिए, इस साइड बड़ी इस साइड छोटी है, नहीं है तो ये ऑप्शन से बाहर। इस साइड बड़ी इस साइड छोटी है, नहीं ये ऑप्शन से बाहर। इस साइड बड़ी इस साइड छोटी, नहीं ये ऑप्शन से बाहर। यही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बाकी अब इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो एलसीएम आएगा इनका, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 168। ठीक है, 168, और महत्तम समापवर्तक कितना होगा 8, और इनका जब इनको 8 से काटेंगे तो 21 पे कट जाएगा, 8 एकम 8, तो 21:1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्तक सिखाने नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का। महत्तम समापवर्तक निकालने का तो आप कर लोगे, ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या जो इनको दोनों को काट दे, तो 8 एक ऐसी संख्या है जो 8 से 24, 856, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है दो दोनों दोनों को काट दे। अब मैं एक बार लघुत्तम सिखा देता हूँ 24 और 56 का, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखिए हमारे पास है एक 24 है और एक 56 है। ठीक है, अब इनको एक ऐसी संख्या से काटिए कि जो बचे ना इस साइड वो आपस में ना कटे। देखो 8 तिया 24 और 8 2 सातु 56, ठीक है, इनको बराबर में लिख लिया, 8 तिया 24 काटा हमने तो यहाँ 3 लिखा, 8 2 सातु 56 काटा तो हमने यहाँ 7 लिखा। अब ये आपस में नहीं कटते ना, तो इसका मतलब ये आ गया कि अब इसको क्रॉस यहाँ से गुणा कर लो, ठीक, इसको क्रॉस यहाँ से गुणा कर लो, जो क्रॉस करके जो आंसर आएगा ना वही इसका होगा। जब देखो 56 तिया कितना होता है, 168 होता है, आप गुणा करके देख लेना, या 24 सात्तक कितना होता है, 168 होता है। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा लघुत्तम समापवर्तक। भाई मैंने सिखा दिया, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं कोशिश करना समझने की, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है, 19 9 की स्क्वेयर करेंगे कितना होगा, 81, 81 माइनस 81 माइनस, और 2 की स्क्वेयर कितनी है 4, 81 माइनस 4 कितना होता है 77/2 में, 81 माइनस 4 77, मतलब ऊपर का वैल्यू कितनी आ गई 77, नीचे है रूट में 77 है और इसकी स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 77 इंटू में क्या है 4, 77 से 77 कट गया, क्या बचा 1/4। ठीक है, ये कोई खेल खेल दिया, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, कोई देखने लायक ही नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, टाइम वेस्ट ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है देखिए, बोडोमास तरीका यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है 2/3, ठीक है, और भाग में दिया गया है क्या, भाग को बाद में सोल्व करना, पहले का है, तो इसको ऐसे कैसे रखना, ठीक है, 5/6 × 2/7, पहले इसको सोल्व करना है, इंटू में 1/3, ठीक है, प्लस में 2/8, ठीक है, ये बात दी गई है, तो इसको काट देते हैं 2 तिया 6, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, या कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब हो गया, ये हो चुका। अब ये जो है ना, ये दोनों चीज़ है का की, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 5/21 आएगा। अब इसको पलटी खुआ देंगे हम, ठीक है, 2/3 × में ये 3 साथ क्या हो जाएगा 21, तो 21 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, इंटू में 1/3, क्योंकि इस वाले को नहीं बदलना, ये गुणा है, भाग पहले सोल्व होता है, गुणा बाद में सोल्व होता है, का सब इनसे पहले, भाग से पहले सोल्व होता है। ठीक है, 1/3 और प्लस में 2/8, ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 सात 21, ठीक है, 3 सात 21, ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ, 2 है ना, ठीक है, भूल मत जाना, इसको हटा के हम 2 लिख देते हैं, तो 7 × 14, नीचे क्या बचेगा 5 तिया 15, ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं, 14/15 प्लस में
2/8 14/15 2/8 तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 2/8 है। 2/8 को काटेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 1/4। ठीक है, 1/4 बचेगा। तो 14/15 प्लस में 1/4 हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। ठीक है, 14/15 प्लस में 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 चौके 4, 14 चौकू 15 चौके 4, 14 चौकू 56। ठीक है, प्लस में 56 प्लस में और 4 को करेंगे तो 15 चौके 60, इस साइड आ जाएगा 15। इन जोड़ो दोनों को जोड़ेंगे तो 71/60, 71/60 आंसर होगा ना, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बहुत ही कचर पचर कर दिया मैंने, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं लिख रहा हूँ ना, जब तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, ये समझना, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ। ठीक है, अरे यार आज भी पेन दिक्कत कर रहा है, देखो फिर भी वाईफाई में दिक्कत आ रही है शायद। देखो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, हम कोई भी त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, इसमें पी आर और आर आर यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर नाम लिख दिया हमने पी क्यू आर। क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें पी आर मतलब पी आर ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा और आर क्यू मतलब ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बोल रहा है कि जो क्यू है वो 38 डिग्री का कोण बनाती है, 38 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बोल रहा है कि आर एस, आर एस मतलब इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, वो पी क्यू, पी क्यू के बीच में माध्यिका है, माध्यिका क्या होती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ बता बोल रही, अब बोल रहा है कि क्यू आर एस, क्यू आर एस का ये जो कोण है ना ये बताना है, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है ये बताना है। देखो ये कोण है 38, ये कोण है 90, ये कोण क्या होगा? आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, अब ये त्रिभुज है ना आर, और ये क्या था, एस था ना, क्या था इसका नाम, आर एस क्यू, आर एस क्यू एक त्रिभुज बन गई इसमें से, तो इसके भीतर का कोण भी 180 डिग्री का ही होगा। इतनी बात याद आपको पता होना चाहिए। देखो ये 38 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, एक है 38, ठीक है, प्लस में एक है 90, और प्लस में इसका हमें नहीं पता, इसका नाम रख देते क्या, वाई, तो प्लस में वाई बराबर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 80 डिग्री का। ठीक है, तो वह यह है 90, ठीक है, 90 है, कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 80 डिग्री का, मतलब तीनों का जोड़ कितना होता है 80, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। ठीक है, और 52 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, इस साइड ले जाके 180 में घटा दो, 52 बच जाएंगे, कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को ये क्या बोल रहा है कि यदि माया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार्यालय जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, और यदि वही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, तो कार्यालय से घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक, इतनी सी बात है, मान लो कि भाई ये माया है और ये जाना है, ये कार्यालय पहुंचना है इसको, और ये टाइमिंग लाइन है, टाइम लाइन है, मान लो कि ये 8 बज रहे, इसको पहुंचना है, क्या कह रहा है कि भाई ये 40 की स्पीड से चलती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, मतलब 8:05 पे पहुंचती है ये। अरे यार लिख दे ढंग से, 8:05 पे पहुंचते हैं। ठीक है, 8:05 पे पहुंचती है, 5 मिनट पहुंचती है, और क्या कह रहा है, 60 की स्पीड से जाती है, 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 7:50 पे पहुंच जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है इस चीज़ वजह, भाई 60 की स्पीड से चलेगी तो पहले पहुंच रही है, और इससे चलेगी तो 5 मिनट लेट पहुंच रही है, ये बात इसके समझ में आ गई। पर ये घर से उसकी दूरी बतानी है कितनी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, देखो क्या होता है, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है, तो हम उस पर ही डिपेंड होके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो दूरी है हमारी एक्स, मान लो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चली,
माइनस में दूरी है, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, तो इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है भाई? 7.5 से लेके 8.5 के बीच में क्या कितने का अंतर है? 15 मिनट का अंतर है। तो 15 मिनट का अंतर आ रहा है बटे में 60। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई क्यों आया है? कि देखो भाई, यहाँ से चल के गई तो भाई कुछ 8:05 पे पहुँच रही, मतलब इतना कुछ फालतू समय लगा। इसमें से गई तो कम समय लगा, तो फालतू समय में से कम समय घटाया तो कितने समय का अंतर है? 15 मिनट का समय का अंतर है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बात ख़त्म। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और बात ख़त्म, ठीक है। अब इस सिस्टम को मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि आपके समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है। ओहो, ये नहीं हुआ क्या? छोटा, इसको छोटा करके, ये क्या था यार, 1/4 क्या चीज था, ये कहाँ रखा था ये? हाँ, ये 4 नहीं था ये, हाँ ये था, ये सिस्टम था ना भाई। 1/40 की स्पीड से माइनस में 1/60 की स्पीड से, और तो 15 मिनट, 15/60 मतलब इतने घंटे में, इतने घंटे का समय। 15/60 क्यों लिया, आपको सभी को पता है, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन को आगे, ठीक है। आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सोल्यूशन करना है, एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम कितना होएगा इनका? 60 एलसीएम, ना 60 नहीं होगा भाई, 120 एलसीएम आएगा, ठीक है। ठीक है, इनका कितना एलसीएम आएगा? 120 एलसीएम आएगा, ठीक है। 120 एलसीएम आएगा इसका, और 120 एलसीएम आएगा तो 4 * 3 = 12, तो 3x, ठीक है। वैसे होता है ना एलसीएम, ऊपर लिख दिया गाना। एक सौ बीस एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखो, 40 * 3 = 120, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है। 3x माइनस में 60 * 120, तो यहाँ 2x = में ये कितना आएगा? 15/60, ठीक है। 15/60, तो 60 को यहाँ से कितने पे काट देंगे हम? 60 * 120, 2 पे काट देंगे, ठीक है। और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ओके, कितना बन जाएगा? 30 बना देगा। और ये 3x में से 2x गए, तो x बचा, x बराबर कितना आएगा? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो कितना किलोमीटर हो गया? 30 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सतभुजाओं के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? सतभुजाओं के आंतरिक कोणों का योग जो होता है ना, वो होता है, आंतरिक कोणों का योग होता है। देखो, मैंने फॉर्मूला लिख के भेजा है, मैं इस फॉर्मूले से करवाऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, फॉर्मूला भूल जाओगे, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग होता है n - 2 * 180, ठीक है। n कितना है? 7 कोण है, -2, 7 में से 2 गए तो 5, 5 को इससे गुणा करोगे तो 18 * 5 = 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90, ठीक है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी, ठीक है। ये है हमारे पास चतुर्भुज, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बढ़ाते हैं? आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, इसको भी आगे बढ़ा लिया हमने, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा लिया, इसको भी आगे बढ़ा लिया, इसको भी आगे बढ़ा लिया। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको जब जोड़ करोगे ना, तो ये हमेशा कितना आएगा? 360, ठीक है। 360, इससे फालतू आ नहीं सकता है ज़िंदगी में। अब ये तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का त्रिभुज कर लो, फाइव भुज कर लो, फलाना भुज कर लो, कितना ही भुज कर लो, ठीक है, 100 भुज कर लो, उनका सबका जो भार का जो कोण है ना, वो आएगा 360, ठीक है। देखो, जब ये 360 है और ये पूरी खड़ी डंडी है, तो ये कितना बचा? मतलब ये चारों में बटा पड़ा है, चारों में बटा पड़ा है, तो वह 360 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से भाग करेंगे तो 4 * 36 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 बचा, तो भितला क्या बचा भाई? सीधी रेखा, सीधी रेखा कोण कितना होता है? मान लो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये पता है हमें। ये बाहर का 90 है, तो भीतर का क्या आएगा? 90 आएगा। मान लो चतुर्भुज की जगह क्या होता है? 6 भुज होता, मान लो 6 भुजा होती, तो 360 / 6 भुज करते हम। अरे 6 भुज करते भाई, सॉरी, 360 / हम क्या करते हैं? 6 भुज करते, ठीक है, कट जा महाराज, 6 भुज करते। इस 6 को इससे काट दे तो कितना आता है? 6 * 36 मतलब 60 पे कट जाता।
तो ये सिक्स भुज मान लो इसको थोड़ी देर को, ये कोण क्या होता है 160 डिग्री का होता है। पूरी डंडी का मान कितना होता है 180, तो 60 घटा देते कितना बच जाता है 120 बच जाता है भीतर, ठीक है 120 बच जाता है ना भीतर। ऐसी सारी चीज़ें होती है ठीक है। अब मैं बताता हूँ सप्तभुज के लिए। अब सप्तभुज होता मान लो कि 360, 360 बटे सप्तभुज, ये आ गया 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का कोण आ गया ना। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है 180 में से घटाना है, तो 180 माइनस में 360 ठीक है, 360 बटे 7 ठीक है, इतना आया। जब ये घट के, ये घट के जो जो भी आंसर आएगा ना, वो मान लो कुछ एक्स आएगा, कुछ भी आंसर आएगा एक्स आएगा ठीक है, वो आएगा आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कितने हैं 7 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 900 आंसर आएगा, चेक करके देख लो अभी ठीक है, 900 आंसर आएगा। उसके अलावा कभी भी कुछ नहीं आ सकता। ये मैंने पूरा पूरा डंडा नहीं लगाना चाहिए मैंने, ठीक है मैंने गलत लगा दिया ये, यहाँ ये तो भाई 360 बटे 7 है ना भाई, 360 बटे 7 है। जब इसको एलसीएम लोगे ना 18 7 कुछ बनेगा, फिर इसमें 360 घटेगा, और फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा, चेक करके देख लेना ठीक है। या बाकी ये लगा सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 महिलाएं या 10 दिन में कोई काम कर देती हैं ठीक है, 8 महिलाएं 10 दिन में कोई काम करके घेर देती हैं और एक काम कर देती है, तो 40 दिन में काम पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की जरूरत पड़ेगी, 40 दिन में काम करने के लिए महिलाओं की कितनी जरूरत पड़ेगी। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 2 4 2 8, तो महिला कितनी आई 2, तो एक दिन में मतलब 2 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, ऊपर ऊपर रखना है जो महिला दिन ये घंटे समय ये रखना है, नीचे रखना है काम, एक काम है इसके भी नीचे एक ही काम है ठीक है। और इधर भी हमने दिन रखे और महिला रखी और दोनों को काट दिया, 2 आंसर आ गए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 87 उम्मीदवार सफल हुए ठीक है, और विफल कितने हो गए 282 ठीक है, 282 ना, 224 विफल हो गए, तो उम्मीदवारों परीक्षा में उपस्थित कितने थे। देखो बात सुनो भाई, इतने सफल हुए तो विफल कितने हुए भाई 14 विफल हुए ठीक है, 14 विफल हुए, 14 बराबर 224 है, 14 बराबर 224 है, 1 बराबर कितना है 16 ठीक है, 1 बराबर 16 तो टोटल कितने बैठ गए, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ जाएगा 1600। खत्म आंसर ही, क्वेश्चन ही खत्म है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बकवास क्वेश्चन है सारे ठीक है। ए प्लस बी पाइप मिलकर 12 घंटे में एक टंकी को भर देते हैं, बी 18 घंटे में भर सकता है, ए प्लस बी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। भाई वही सेम सवाल है, इसको कर लेना अपने आप ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे डिजाइन है इसका। ए प्लस में बी कितने घंटे में भर सकता है 12 घंटे में, बी इसको भर सकता है 18 घंटे में, इसको कर लेना अब सोल्व ठीक है। ए अकेला पाइप कितने घंटे में भर देगा, करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा किसका आंसर आता है सही ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्कार्फ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक विक्रेता 7200 रुपये, 7200 रुपये क्या अंकित मूल्य कर रखा है, 7200 रुपये हमने लिख लिया यहाँ पर ठीक है, अंकित मूल्य कर रखा है। यहाँ बोल रहा है 20% की छूट और 10% की क्रमागत छूट देता है, तो आखिरी वो क्या आएगा। देखो छूट दे रहा है ना, तो हमें छूट दे दी, हमें हमारे पास कितना बचा 80 बटे 100, हमें जो बचा है ना वो लिखना होता है ठीक है। दूसरी बार 10% की छूट थी तो क्या लिखेंगे 90 बटे 100 ठीक है। अब इनको काट दो, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म ठीक है। अब ऊपर जो बच गया, ऊपर बच गया 72, ऊपर बच गया 72 इंटू में 9 8 72, ये 72 इंटू 72 बच गए ठीक है, 72 इंटू 72 बच गए। देखो 72 इंटू 72 बच गए। अब इसको एक तो हम इसको गुणा करें, बाकी इसका एक होता है इकाई का अंक, इसकी 2 की गुणा इसके साथ करेंगे, मतलब इनको गुणा करते हैं तो पहले इकाई का अंक करते हैं, 2 2 4 आता है इसमें। देखो ऑप्शन में कौन से में 4 है, लास्ट में इसी ऑप्शन में 4 है, बाकी में नहीं है ठीक है। इकाई के अंक से भी सॉल्व हो सकता है ठीक है, कर लेना गुणा, बाकी मैं नहीं करके दूंगा भाई गुणा क्योंकि यार लंबी वीडियो बन जाती है यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उससे ठीक है। देखिए 12:30 हो चुके हैं, मतलब 1 घंटे की वीडियो बन गई है। ये क्वेश्चन भी अपने आप सोल्व कर लेना, क्योंकि सी और डी की वैल्यू रहा रखनी है, यहाँ पर सी की रखनी है, यहाँ डी की रखनी है, फिर यहाँ सी की रखनी है, यहाँ डी की रखनी है, कर दोगे सोल्व ठीक है, बताना मुझे। ओहो वीडियो ख़त्म हो चुकी, चलो
चलिए तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे चैट बॉक्स में बताना ज़रूर, और इस क्वेश्चन को करके दिखाना, ठीक है। और वो पीछे वाला छोड़ रहा था मैंने, उसको करके दिखाना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन है भाई, यहाँ करके दिखाना, ठीक है। रख देना वैल्यू और कर देना। और आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ज़रूर। और मैं आपको जीके भी, अभी जीके की भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, बाकी नहीं बनाऊँगा, ठीक है सारी। और मैथ की वीडियो मेरी कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना। मेरा पढ़ाने का तरीका, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश की है, और आपको धीरे सुनना है तो ऑप्शन आता है एक मतलब स्लो करने का भी यूट्यूब में, ठीक है। तो स्लो कर लेना उसको थोड़ा सा, जैसे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबको सपोर्ट करते रहिए ऐसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।